तो मेरा मानना है जब तक उसकी सहायक नदियां और नाले नहीं रोके जाएंगे तब तक गंगा साफ करने का सपना अधूरा रहेगा। और अगर गंगा साफ करने का सपना पूरा करना चाहते हैं तो समाजवादी लोगों ने जो मॉडल अपनाया था गोमती में लखनऊ में, उस मॉडल के रास्ते पे चलेंगे तो गंगा साफ हो जाएगी। केशव चंद मौर्य ने आज बनारस में कहा है कि अखिलेश यादव जाके काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करें तब उन्हें सद्बुद्धि आएगी, क्योंकि वो गंगा यात्रा को नया इवेंट बता रहे हैं बीजेपी का, ये कहना है उनका। हमें हमारी जितनी बुद्धि है वो आप जानते हो या जनता जानती है, हमने लैपटॉप दिए जो आज भी चल रहे हैं, इन्होंने जो शौचालय बनाए हैं उसमें पानी नहीं है। ये जनता को तय करना है कि शौचालय चाहिए कि लैपटॉप चाहिए। और फिर हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी इतने अच्छे हैं कि एक बार गलती से यही जिनका नाम आप ले रहे हो वो कुर्सी पे बैठ गए थे, आज तक दोबारा उस कुर्सी पे नहीं बैठ पाए, और जहां पर नाम लिखवा लिया था वो नाम नहीं लिखा गया। बताओ मौर्य समाज का कितना अपमान हुआ है, कभी कोई किसी का नाम लिखे हुए तख्ती उखाड़ के फेंक देगा? क्योंकि मौर्य जी उस कुर्सी पर बैठ गए थे इसलिए वो कुर्सी भी हटा दी गई, आज तक दोबारा उस कुर्सी में नहीं बैठ पाए। और फिर सोशल मीडिया का जमाना है, आपसे वो बात छिपी नहीं है, कितनी बार प्रणाम किया था बस वही बचा था दंड मस्तक होना, बाकी तो आपने प्रणाम देखा था कितनी बार किया था कोई देखा तक नहीं उन्हें। तो इसलिए इसमें मत उलझो, आपने कहा गंगा साफ।